हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान प्रियो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग जो करंट अफेयर 9 अप्रैल 2019 का क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसमें से 9 अप्रैल का जो करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए और देखते हैं कि 10 क्वेश्चन जो हम लोगों का है 9 अप्रैल 2019 के लिए कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का जो रहेगा, पहला क्वेश्चन जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2019 जारी कर दी, इसमें किस आईआईटी ने ओवरऑल शीर्ष रैंकिंग हासिल की। इसमें जो इंस्टीट्यूट वाला आईआईटी का है उसका जो लिस्ट जारी कर दिया गया है, इसमें से आईआईटी के ओवरऑल शीर्ष में कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है बोल के दिया गया है, जिसमें से पहला दिया गया है ए में दिया गया है आईआईटी मद्रास, उसके बाद कानपुर का दिया गया है, खड़गपुर का दिया गया है, उसके बाद दिल्ली का दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास का, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच 26 मार्च से 8 अप्रैल के बीच मित्र शक्ति नमक युद्ध अभ्यास का योजना किया जाएगा। भारत और किस देश के बीच 26 मार्च और 8 अप्रैल के बीच मित्र शक्ति नमक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, ये किया गया बोल के दिया गया है, जिसमें से हम लोगों का यहाँ पे ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस और श्रीलंका, जिसमें से हम लोगों का आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तीसरा क्वेश्चन में जो दिया गया है, किस देश के ग्राहम रीड को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच नियुक्ति किया गया है। तो भारतीय क्रिकेट के लिए जो कोच बनाया गया है वो कौन सा देश के से है बोल के दिया गया है, जिसमें इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इराक है। हम लोगों का आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। चौथा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, अमेरिका ने 8 अप्रैल 2019 को किस देश की सेना रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉपर संगठन आतंकी को, यहाँ पे इसका शॉर्ट नाम दिया गया है IRGC है, दिया कर घोषित, यहाँ पे घोषित कर दिया, ये IRGC से घोषित किया बोल के दिया गया है। ये हम लोगों का जो देश दिया गया है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक और ईरान और इराक दिया गया है, जिसमें से हम लोगों का सी नंबर ये आंसर सही होगा, ईरान इसका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, ये अनुमान कितने होगा 19 और 20 में GDP वाला, उसका यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से एक का जो दिया गया है ए नंबर 7.2% यानी कि प्रतिशत, बी दिया गया है 7.1%, सी दिया गया 6.9% और डी दिया गया है 7.5%। तो ये डी इसका सही आंसर होगा। छठवां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है, हाल ही में किस देश द्वारा सुरक्षित ऑनलाइन कंटेंट के लिए व्हाइट पेपर जारी किया गया, किस देश द्वारा ये जारी किया गया ऑनलाइन कंटेंट के लिए व्हाइट पेपर, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया न्यूजीलैंड, फिर ब्रिटेन, सी में दिया गया भारत और डी में दिया गया चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का सातवां नंबर जो है, सातवां नंबर में क्या है, हाल ही में किस भारतीय ऑनलाइन गेम को पहली बार गेमिंग यूनिकॉर्न प्राप्त हुआ। भारतीय ऑनलाइन गेम जो है इसको यूनिकॉर्न जो है गेमिंग यूनिकॉर्न प्राप्त हुआ कौन सा है, पहला दिया गया है ड्रीम 9 और टीम 11, क्रिक 12 और ड्रीम 11। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, भारत के अभी जितने भी तैयारी कर रहे हैं क्रिकेट से जो थोड़ा बहुत रुचि रखते हैं सबको पता होगा, ये हम लोगों का डी नंबर ड्रीम 11 हो जाएगा। आठवां नंबर दिया गया है, देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2019 में हाल ही में किस कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ स्थान घोषित हुआ है। ये NIRF इसका आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा क्या इसका फुल फॉर्म होता है, इसके रैंकिंग में 2019 में किसको सर्वश्रेष्ठ दिया गया नाम इसमें रहा, उसका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, देखिए चेन्नई का है, दिल्ली का है, कलकत्ता का है और एक दिल्ली का है,
जो आंसर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे मिरंड हाउस दिल्ली, ये कॉलेज जो है ये सर्वश्रेष्ठ स्थान में रहा NIRF रैंकिंग में। उसके बाद नौवां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। नौवां नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से किस शख्सियत को आईमा मतलब AIMA अवार्ड 2019 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। इसका जो ऑप्शन दिया गया है विवेक बिंद्रा, संजीव बजाज, बी नंबर सी नंबर में अनिल वैश्य दिया गया है, डी में दिया गया है लोकेश उज्जवल, जिसमें से बी नंबर ऑप्शन सही है इसका संजीव बजाज। दसवां नंबर और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ये है कि जिन एडिटिंग के महत्वपूर्ण तरीके CRISPR ने हाल ही में किस रेंगने वाले प्राणी के जीन को बदलने का फैसला किया है। यहाँ पे जो दिया गया है CRISPR ने हाल ही में किस रेंगने वाले प्राणी के जीन मतलब रेंगने वाले जो प्राणी होते हैं उनके जीन को बदलने का प्रयास का प्रयोग किया है, उसका जीन को बदलने के लिए प्रयास जो किया है, जिसमें से पहला दिया गया छिपकली, सांप, केकड़ा और केंचुआ, जिसमें से पहला ऑप्शन छिपकली जो दिया गया है ये हम लोगों का आंसर होगा ए नंबर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जो हम लोग टॉप 10 देख लिए, आज का जो करंट अफेयर था 9 तारीख के लिए, 9 तारीख हम लोग करंट अफेयर 10 हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 10 तारीख का करंट अफेयर के साथ 10 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू दोस्तों।